जय हिंद दोस्तों, और मैं फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप लोगों का आपके आज के इस वीडियो में। और अगर आपने भी मल्टीपल एप्लीकेशन से लोन लिया है, फॉर एग्जांपल क्रेडिट भी, नावी, मनी व्यू, रूफिलो और ऐसी कई एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके उसका बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, HDFC से लेके SBI किसी का भी क्रेडिट कार्ड आपने यूज़ किया है और अभी आप उसका बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और साथ में अगर आपने किसी भी बैंक से या तो पर्सनल लोन लिया है, तो फिर आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग मेनली टॉपिक कवर करेंगे कि अगर आपने इनमें से किसी का भी रिपेमेंट नहीं किया है, या बहुत जगह से आपने लोन ले रखा है, काफ़ी लोगों ने ये मुझे मैसेज किया था कि जो उनका लोन है वो काफ़ी जगह से है, मल्टीपल लोन्स है, तो उसका वो रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो अब क्या करना चाहिए, कैसे लोन को क्लोज़ करें, क्या करें जिससे कि हमारा जो लोन है वो क्लोज़ हो जाए। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाइए और जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो देखिए, काफ़ी लोग ये जो लोन के चक्कर में या लोन के दलदल में फंस जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेट ट्रैप, और डेट ट्रैप से फिर निकल नहीं पाते। अगर कभी भी आप लोन लेते हैं तो ध्यान रखें कि उसको टाइमली पेमेंट करने की आपके पास सुविधा है तभी लोन लें, या फिर अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिस वजह से आप लोन नहीं पेमेंट कर पाते हैं तो दोबारा लोन लेके उसका पेमेंट ना करें। ऐसे क्या होता है, लोग दलदल में फंसते हैं, 1 लाख का लोन 10 लाख का बन जाता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे तो फिर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप कंपनी से अपनी जो बात है वो रखिए और उनको बताइए कि आपसे पेमेंट अभी फ़िलहाल में नहीं हो सकता, और कितना टाइम लगेगा आपको पेमेंट करने में ये भी आपको कंपनी को बताना होगा। ऐसे कोई भी कंपनी आपको डिफ़ॉल्टर घोषित नहीं कर सकती। अगर आपके पास वैलिड रीज़न है कि जिस रीज़न से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो कंपनी आपको टाइम देगी, साथ साथ में कंपनी को भी समझना होगा कि आपने किस वजह से पेमेंट नहीं किया और आपको टाइम देने के लिए, और उस टाइम के बाद अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं या पेमेंट आपके पास आता है तो आप वन टाइम में ही पेमेंट करके क्लोज करें, बार बार EMI में कन्वर्ट ना करें, नहीं तो फिर इससे क्या होगा कि आपकी जो यहाँ पे जितना भी पेमेंट है वो हमेशा पेंडिंग रह जाएगा और फिर कभी भी आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। एग्जांपल मैंने आपको बताया कि 12 EMI थी, और 12 EMI का अगर आप फिर से EMI के रूप में पेमेंट करेंगे तो 4 EMI पेमेंट करने के बाद मान लीजिए फिर से पचवीं में कोई कंडीशन ख़राब हो गई तो वो जो लोन का अमाउंट था दोबारा से उतना हो जाएगा। अब इस बीच में क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूँ, तो सबसे पहले कॉल, फिर नोटिस, फिर रिकवरी एजेंट और पुलिस की धमकी वगैरह या कोर्ट केस की धमकी वगैरह, ये सब कुछ खासकर इस बीच में आपको देखने या सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल भी दोस्तों डरना नहीं है या किसी तरीके से आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं होगा, ना ही आपके ऊपर कभी कोई भी कार्रवाई होगी, ना ही कभी आपके ऊपर कोई पुलिस केस होगा, ना ही चेक बाउंस का केस होगा, तो ऐसा कुछ भी आपके ऊपर दोस्तों नहीं होने वाला क्योंकि आपने लिया है पर्सनल लोन। फिर आप लोग के मन में ये सवाल उठेगा कि अगर ऐसा कुछ भी जब नहीं होगा तो पर्सनल लोन के मामले में क्या हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया रिकवरी एजेंट्स, तो रिकवरी एजेंट्स को लेकर मेरा एक डिटेल वीडियो नेक्स्ट आएगा, तो आप उसका वेट करेंगे और मैं उसमें बताऊंगा कि कैसे उनको हैंडल करना है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दें और मेरी बातों को ध्यान से सुनें। ये नोटिस वगैरह और यहाँ पे केस वगैरह तो बिल्कुल भी दोस्तों नहीं होने वाला, तो फिर असल में आपके साथ पर्सनल लोन के केस में क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए कि आपका जो सिविल स्कोर है दोस्तों उनको ये लोग ख़राब कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। सिविल स्कोर को सिर्फ और सिर्फ डैमेज कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप सोचते हैं कि किसी और अदर तरीके से डैमेज मिल सकता है तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और किसी भी तरीके से ये आपको डैमेज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आपका जो सिविल स्कोर है उसको ये लोग ख़राब करने की कोशिश करेंगे और इतना कम कर देंगे जिससे आपको कहीं और से लोन लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों मैं यहाँ पर वीडियो को एंड करता हूँ, और ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलूंगा अगली वीडियो में आप लोगों से बहुत जल्द। जय हिंद।